Collect your money immediately as it comes out from the slot. एक मशीन जिसने बदला पैसों का खेल, जिसने बदल दी आम इंसान की जिंदगी। कभी कतारों में ही गुजर जाता था पूरा वक्त, आज हर गली कूचे में मौजूद है एटीएम। आखिर किसने बनाई ये क्रांतिकारी मशीन? कैसे आया मशीन बनाने का आइडिया? ये मशीन ना होती तो आज क्या होता? हर सवाल का मिलेगा जवाब, और सबसे अहम आपको बताएंगे एटीएम का इंडिया कनेक्शन। वैसे तो हर मशीन की अपनी अहमियत होती है, पर आपकी, हमारी या कहें हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली एक नायाब मशीन है एटीएम। बैंकिंग की परिभाषा बदल देने वाली ऑटोमेटेड टेलर मशीन आज इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। रकम निकालने के लिए हर गली मोड़ पर आज एक ऐसी सहूलियत मौजूद है जिसने आपकी, हमारी और सबकी जिंदगी आसान कर दी है। आज एक निर्णय के बाद, सरकार ने जो एक निर्णय लिया उसके बाद पूरे देश में नोट बदलने की एक मुहिम सी चल पड़ी है, और इस महत्वपूर्ण घड़ी में एटीएम की खूबी, एटीएम की जो महत्ता है वो बिल्कुल अब हमारे सामने आ गई है। 1987 में देश में पहला एटीएम लगा बॉम्बे में, तब आज का मुंबई जो है वो बॉम्बे हुआ करता था। एचएसबीसी ने अपना पहला एटीएम बॉम्बे में लगाया। दुनिया में पहला एटीएम 1969 में अमेरिका में लगा, उसके करीब 17-18 साल बाद हमारे देश में वो एटीएम आया। एचएसबीसी ने उस एटीएम को बॉम्बे में लगाया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 28-30 साल के बाद एटीएम हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, और बैंकिंग सिस्टम में जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको सेफ्टी वॉल्व के जरिए ये एटीएम उस एक्स्ट्रा प्रेशर को निकाल देता है। एटीएम के बिना आज का हमारा जीवन कैसा होता, इसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। बड़ा पैनिक सोच के बड़ा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि देश भर में आज अलग अलग बैंकों के 2 लाख से ज्यादा एटीएम मौजूद हैं, जिनके जरिए निकाली गई रकम से लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो रही हैं। ये मशीनें लगातार बढ़ाई जा रही हैं, फिर भी देश के कई हिस्सों से, खासकर ग्रामीण इलाकों में, इनकी कमी महसूस की जा रही है और इन्हें लगाने की मांग बनी हुई है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि आज अगर एटीएम ही ना होते तो क्या होता? क्या आज लोग नकद पैसों के लिए दिन दिन भर बैंकों के लाइन में खड़े होते? लोगों की जरूरतें भला कैसे पूरी हो पाती? कितने मानव दिन बर्बाद होते? हमारी काम करने की क्षमता कितनी प्रभावित होती? शुक्रिया कीजिए एटीएम देने वाले उस शख्स का, जिसकी बदौलत आज हम कुछ सेकंडों में कुछ बटन दबाकर मर्जी के नोट हासिल कर लेते हैं। बैंकिंग व्यवस्था के तहत एटीएम ने जो क्रांतिकारी बदलाव लाया, लोगों के घर तक एक तरीके से हम कहें तो बैंक पहुंच गया। एटीएम के जरिए लोग पैसा जमा भी करते हैं, पैसा निकाल भी रहे हैं, और अब तो बैंकिंग सिस्टम और एडवांस हो गई है। अब तो मोबाइल बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत हुई एटीएम से। और एटीएम की क्या महत्ता है, एटीएम कितना आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है, उस पर बातचीत करने के लिए तमाम हमारे साथ लोग हैं, व्यापारी हैं, आम लोग हैं, और अर्थव्यवस्था को समझने वाले आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। आज जिस तरह व्यक्ति को सांस लेने की जरूरत होती है, उसी तरह आज ये एटीएम हमारा
इंसान को सांस लेने का काम कर रहा है। अगर आज एटीएम न होते तो चाहे वो जनता में किसान होते, चाहे लघु उद्यमी होते, कुटीर उद्यमी होते, व्यापार जगत होता, उद्योग होता, सब नष्ट हो जाता। आज एटीएम की वजह से हर आदमी आराम से पैसे निकाल ले रहा है और जमा कर ले रहा है। इतनी उपयोगी मशीन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल होंगे, मसलन ये मशीन कैसे तैयार की गई, एटीएम कार्ड कैसे बना, इसका पिन किसने दिया और ये मशीन काम कैसे करती है। जॉन शेफर्ड बैरन, जी हाँ, ये वही शख्स हैं जिन्होंने एटीएम का आविष्कार किया। बैरन का जन्म इसी भारत में हुआ, जहां इन दिनों एटीएम से पैसे निकालकर लौटना ओलंपिक मेडल जीतने सरीखा है। अब आपको बताते हैं बैरन का इंडियन कनेक्शन। बैरन का जन्म 23 जून 1925 को शिलांग में हुआ, जो आज मेघालय में है, लेकिन तब असम का हिस्सा हुआ करता था। स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखने वाले उनके पिता उत्तरी बंगाल में चटगांव पोर्ट कमिश्नर के चीफ इंजीनियर थे। बैरन साल 2010 में 85 साल की आयु में दुनिया छोड़ गए, लेकिन जवानी के दिनों में नहाते हुए उनके दिमाग में आए एक विचार ने इंसानी जिंदगी और पैसे का खेल पूरी तरह बदल दिया। हमारे साथ आर्थिक मामलों को नजदीक से देखने समझने वाले एक विशेषज्ञ प्रोफेसर रवि प्रकाश जी हैं। प्रोफेसर साहब, ये भी एक अद्भुत तथ्य है कि जॉन शेफर्ड बैरन, जिसने एटीएम को हकीकत में बदला, उनका जन्म भी पूर्वोत्तर में हुआ, मेघालय की राजधानी शिलांग में। तब मेघालय असम का हिस्सा हुआ करता था। आप कैसे देखते हैं एटीएम आने के बाद अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण बदलाव आया, लोगों के बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ाव में जो बदलाव आया, उसको आप कैसे बताना चाहेंगे? भारतीय समाज को तीन हिस्से में मुख्य रूप से हम बांट के देख सकते हैं। एक वो वर्ग है जो व्यापारी वर्ग है, दूसरा सर्विस सेक्टर का है, और तीसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर का, और चौथा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो अपर क्लास है उसका तो बड़ा ट्रांजेक्शन डायरेक्ट बैंकिंग सिस्टम से चल रहा है, किंतु सैलरी वाले जो सेक्टर के लोग हैं वो सैलरी को एक साथ निकालने की प्रवृत्ति के अभी तक लोग नहीं हुए हैं। संचय का जो भाव है तो थोड़ा थोड़ा धन निकाल के व्यय करना, साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर और व्यापारी तबके में तीसरा जो लोअर तबका है वो प्रतिदिन के दैनिक जीवन के व्यय के लिए एटीएम पर अब एक तरह से निर्भर हो गया है और ये जीवन शैली बन गई है। और अगर आज के परिवेश में देखें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोट 500 के और 1000 प्रतिबंधित किए, उसका सीधा असर, हालांकि अब इस समय एटीएम फंक्शन नहीं कर रहा है, ये जो एक आलोचना हो रही है उसमें एक तकनीकी दिक्कत है कि एटीएम में जो तकनीकी एक प्रणाली है, वो प्रणाली है कि उसके वेट के अनुसार वो नोट उठाती है, तो वो वेट के अनुसार अभी उसके सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुए हैं, इमरजेंसी है। किंतु अगर इस इमरजेंसी को छोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि एटीएम जैसा एक टूल जो जीवन का एक अपरिहार्य अंग हो गया है और चारों संवर्गों के लोगों के लिए एक अर्थव्यवस्था का एक लक्ष्य तो नहीं है किंतु साधन बहुत बेहतर है। साथ साथ अगर ग्रामीण और नगरीय समाज को विभक्त करके देखें तो ग्रामीण और नगरीय समाज में एक अंतर यह है कि नगरीय समाज में ज़्यादा धन एक साथ रखना और ग्रामीण समाज में थोड़ा धन एक साथ रखना, इसकी प्रवृत्ति जो है, उस प्रवृत्ति में एटीएम एक इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है कि आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, दोनों में एटीएम पर समाज की निर्भरता, और ऐसे में एटीएम की उपयोगिता अपने आप में स्वतः सिद्ध होती है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग हो गया है। साल 1967 में दुनिया की पहली एटीएम मशीन लंदन के एक बैंक में लगी। टीवी सीरीज ऑन द बसेस के रेक वार्ने एंड फील्ड में बार्कलीज बैंक से पैसा निकालने वाले पहले शख्स बने। उस वक्त इसे होल इन द वॉल कहा गया। रिजर्व बैंक के मुताबिक देश भर में 56 सरकारी और निजी बैंकों के 2 लाख से ज्यादा एटीएम हैं,
इनमें 1 लाख से अधिक ऑन साइट और 1 लाख से कुछ कम ऑफ साइट ATM हैं। ऑन साइट ATM के मायने उन मशीनों से हैं जो बैंक शाखा में या उसके साथ लगी हैं, जबकि ऑफ साइट ATM बैंक शाखा से अलग या स्टैंड अलोन मशीनें हैं। बैंकिंग प्रणाली LIC जैसी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक तीसरा आयाम के रूप में हम ATM को देखते हैं। और भारतीय समाज में जो इस तीसरे आयाम को देखें, जिसमें कि चाहे बैंकिंग हो या LIC हो, यहाँ विड्रॉल के साथ साथ जो फैसिलिटी अब डिपॉजिट की भी हो गई है, इससे इसका रेलेवेंस, इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। हाँ, क्योंकि अभी तक तो विड्रॉल था, किंतु अब बहुत सारे ATM में जो डिपॉजिट का है, इससे जो भीड़ में हम लाइन लगते हैं, हमारा समय बचता है। और ये टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ गोल्ड, ये जो स्लोगन है वास्तव में भारतीय समाज के लिए उपयोगी है। एक अर्थव्यवस्था में श्रम शक्ति को जब समय की बचत होती है, वो समय पुनः वो श्रम एक पूंजी के रूप में ट्रांसफार्म होता है, रूपांतरित होता है। तो एक तरह से ATM एक नई पूंजी का सृजन भी कर रहा है, वो जिसके श्रम शक्ति का संचय हो रहा है। यानी 4 घंटा हम बैंक में लाइन लगाएं, समय व्यर्थ हो, उसके जगह अगर हम गए और ATM से पैसा निकाला या जमा कर दिया, ये जो समय का संचय हुआ, ये समय के संचय का निश्चित तौर पे श्रम का जब पूंजी में रूपांतरण होता है, तो ये अर्थव्यवस्था को इन्हांस कर रहा है, उसके प्रगति में योगदान दे रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण ATM का योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था का।